कुमारी मरियम का समर्पण। यहूदी प्रथा के अनुसार हर पहलौठे को मंदिर में ईश्वर के लिए समर्पित किया जाता था। शायद यह भी परंपरा रही होगी कि पहली बेटी को ईश्वर के लिए समर्पित किया जाता था। आज नन्ही मरियम के समर्पण का स्मरणोत्सव है। इसी परंपरा के मुताबिक योआकिम और अन्ना ने अपनी बेटी मरियम को 3 साल की उम्र में मंदिर में ईश्वर के लिए समर्पित कर दिया। माना जाता है कि 12 साल की उम्र तक मरियम मंदिर में रही। कॉप्टिक परंपराओं के मुताबिक जब मरियम 6 साल की थी तब उसके पिता योआकिम और जब वे 8 साल की थी तब उनकी माता अन्ना की मृत्यु हो गई। कलीसिया नहीं कहते हैं कि इस पर्व के जड़ सुसमाचारों में या पवित्र ग्रंथ के किसी किताब में दिखाई देता है, मगर नए विधान के संकेत ग्रंथों में से संत याकूब के सुसमाचार के अनुसार ये पर्व मनाया जाता है। सम्राट जस्टिनियन प्रथम ने 543 में मां मरियम के आदर में एक महामंदिर का निर्माण करवाया। उस महामंदिर के प्रतिष्ठान पर्व से लेकर ये पर्व मनाए जाने लगा। धीरे धीरे 15वीं सदी में ये पर्व रोमन कैथोलिक कलीसिया के कैलेंडर से जोड़ा गया। एक बच्चे को ईश्वर के लिए समर्पित करने का मतलब है कि उसे ईश्वर के मंदिर में एक प्रतीकात्मक बलिवेदी पर लिटाकर ईश्वर से बातें करना, ईश्वर से कहना कि हे प्रभु, ये संतान तेरी है, तूने मुझे इसे दिया है, अब मैं इसे तेरे हाथों समर्पित करता हूं, इसके साथ तू वैसा कर जैसा तू चाहता है। इस तरह अपने संतान को ईश्वर के लिए समर्पित करने का कतई ये मतलब नहीं है कि माता पिता होने का जिम्मेदारी वहीं खत्म हो जाती है। जब माता पिता अपने संतान को बपतिस्मा के जरिए या अन्य किसी संस्कार के जरिए ईश्वर के लिए समर्पित करते हैं तब उन्हें जो उपहार ईश्वर ने दिया है उस उपहार को उनके हाथों वापस कर देते हैं। हम में से हर एक व्यक्ति बपतिस्मा के जरिए ख्रिस्तीय विश्वास प्राप्त करते हुए ईश्वर के लिए समर्पित है। हमारे इस समर्पण को विश्वस्तता से जीने के लिए हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में कलीसिया की सिखाई हुई बातों को समझकर उनका अनुसरण करते हुए जीना जरूरी है। आज मां मरियम के मध्यस्थता से हम प्रार्थना करें कि हम अपने समर्पण को उसकी पूर्णता तक पहुंचाने की कोशिश करें।